जेल ब्रेक कांड मामले की गल करते हैं। इस विच मोगा दे एक गन हाउस के मालिक किरण पाल सिंह नूं अदालत ने 3 दिनों लई पुलिस रिमांड ते भेज दिता है। एक दिन पहला ही किरण पाल सिंह की गिरफ्तारी की गई सी। मोगा दे गन हाउस मालिक किरण पाल सिंह ते गैर कानूनी ढंग नाल हथियार वेचण दे इल्जाम ने। जिक्र खास है कि 27 नवंबर पिछले साल 2016 नूं नाभा जेल चों 6 कैदी फरार हुए सन, जिन्हां चों अजे तक 3 कैदी ही मुड़ काबू किए जा सके ने, जबकि 3 कैदी हुण भी फरार ने। इस खबर से ज्यादा जानकारी देने लिए साढ़े पत्रकार हरप्रीत धालीवाल साढ़े नाल फोनलाइन जरिए जुड़ रहे हैं। हरप्रीत, जानना चाहवांगे अज की कुछ होया नाभा की अदालत दे विच। बलविंदर, नाभा की अदालत दे विच जिहड़ा किरण पाल है पंजाब गन हाउस मोगा तो उसनू पेश किया गया, कल देर रात उसनू गिरफ्तार किया गया सी जी। ते उस तो बाद चो हुण पुलिस की कोशिश यह होगी कि 3 दिन का रिमांड उसनू मिलिया, 5 दिन का रिमांड पुलिस ने मंगया सी। 18 तारीख नूं गुरप्रीत सेखों दे नाल नाल कुलविंदर और सुल्तान दे नाल नाल जिहड़ा होर साथी उत्ते फड़े गए सी उन्हां नूं भी 18 तारीख नूं पेश करना है। सो कई वारी इस तरह हुंदा कि पुलिस सारे दोषियां नूं इकट्ठे फड़ के उन्हां तों अलग अलग बयान लैके उन्हां तों जांचण दी कोशिश करदी है कि इन्हां तों जानकारी जिहड़ी मिल जावे। सो 18 तारीख तक 3 दिनां दे विच हुण किरण पाल सिंह किस तरीके दी इनफॉर्मेशन इस तों पुलिस कलैक्ट कर सकदी है, इस तो बाद चो भी फिर पुलिस होर भी इसका रिमांड मंग सकती है, क्योंकि जे तो इन्हें कोऑपरेट किया पुलिस के नाल जो जो इन दी रिकवरियां ने जो उस दिन देतियां, तो फिर तो कई बार पुलिस कह दी है बलविंदर कि हाँ जी इस जुडिशल भेज दो, पर जेकर उसने कोऑपरेट ना किया जा फिर पुलिस को होर बहुत सारी इनफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत वड्डा गैंग है, बहुत वड्डा गैंग दे विच की इसने किन्ने वेपन दिते सी, किनू दिते सी, उसनु रिकवर कराउण वास्ते पुलिस नु काफी टाइम दी लोड़ हुंदी है। सो 3 दिनां दा मानयोग अदालत ने इन्हां नूं रिमांड दित्ता है जी, ते उस तों बाद चों मेरे मुताबिक पुलिस होर भी इन्हां दी रिमांड दी मंग कर सकदी है, तां जिहड़ियां परतां दर परतां इस केस दे विच ने ओह होर भी खोल सकण जी। जी हरप्रीत, इस दे विच जिस तरह इह नाभा दे नाल नाभा जेल ब्रेक दे नाल इस दे तार जुड़े नजर आए कि जिहड़े हथियार वरते गए सी ओह इत्थों लए गए सी, तां इह भी हो सकदा कि कुछ पुराने भी केस निकल आउण कि पहलां भी इस तरह नजायज़ हथियार इह दिंदा रिहा किहड़े किहड़े अपराधियां नूं दिंदा रिहा जी। डेफिनेटली, क्योंकि नाभा जेल ब्रेक के 3 गड्डिया सवार होके गैंगस्टर आए थे जेडे खुंखार अतवादियों ते गैंगस्टरों नूं छड़वा के लेके गए थे, भावे उन्होंने चो 3 अजे फड़े गए हैं, 3 अजे रहिंदे आ जी। सो उस दे विच डेफिनेटली है कि पुलिस इस वल भी अपना सख्ती शुरू रखूगी कि इस व्यक्ति वालों जेकर इन्हों हथियार दिते है तां पंजाब दे विच पनप रहे गैंगस्टर जिहड़ी वड्डी गिणती दे विच ने, कई 100 गैंगस्टर पंजाब दे विच इस वेले पनप रहे आपां जाणदे आ कि इन्हां ने होर गैंगस्टर नूं जां होर ग्रुप्स ने जिहड़े इत्थे एक्टिव ने कि उन्हां नूं भी हथियार दित्ते आ। पुलिस की कोशिश होगी कि एक तीर दे नाल कई शिकार हो करन इत्थे इस गैंगस्टर नूं भी चैक करन और नाल नाल इह भी चैक करन कि दूसरे जिहड़े भगौड़े गैंगस्टर ने जां उन्हां कोलों हथियार जिहड़े बरामद हो रहे ने कि किते इह किरण पाल मोगा दे गन हाउस दा मालिक है ते इस नूं कल गिरफ्तार किया गया सी। इल्जाम यह है कि नाभा जेल ब्रेक विच जिहड़े हथियार वरते गए सी ओह इसे दे गन हाउस तों लए गए सी, ओह भी नजायज़ तौर ते।